इस मंदिर की है अनूठी परंपरा। शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है जिंदा केकड़ा। क्यों है ऐसी धार्मिक परंपरा? हम भारतीयों की पूजा पाठ की विधि दुनिया से अलग है। हम भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, पूजा बड़ी हो तो हवन तक भी करते हैं। पूजा करने की ये विधियाँ हमारे देश में आम है, लेकिन हम ये कहें कि हमारे देश में ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव के शिवलिंग पर जिंदा केकड़ा चढ़ाया जाता है। ये बात सुनकर आपके मन से ये आवाज तो जरूर आई होगी कि क्या बात कर रहे हैं आप, भला ऐसा कैसे हो सकता है। यकीन मानिए, ये बिल्कुल सच है। गुजरात के सूरत के रामनाथ शिव घेला मंदिर में शिवलिंग पर जिंदा केकड़ा चढ़ाने की अनोखी परंपरा सदियों से पुरानी है। मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, जिसके बाद उनके शिवलिंग पर जिंदा केकड़ा अर्पित किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, ये भी सुनिए। वैसे तो मैं 20 साल से आ रही हूँ। हर साल में एक ही बार जब जो महादेव जी का जन्मदिन होता है ना, उसी दिन ये केकड़े चढ़ाते हैं। और केकड़े की आस्था ये है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे बच्चों के जो कान में दर्द होता है ना, वो नहीं होता है। वो ये मंदिर को रामनाथ घेला से ये नाम से जाना जाता है। आपके कान में या कोई भी दिक्कत है, डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह कुछ भी बोला है, तो यहाँ की मन्नत रखते हो ना, उससे वो आपको ठीक हो जाता है। और इस दिन यहाँ पे ये केकड़ा चढ़ाते हो ना, तो उससे आपकी ये मन्नत पूरी हो कि आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। केकड़े चढ़ाने से बच्चे को कान में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बरसों से मेरे ससुराल वाले चढ़ाते, तो अभी मुझे पता चला तो मैं भी आती हूँ। कहते हैं सदियों पुराने इस मंदिर की कहानी भगवान राम से भी जुड़ी है। अपने पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद श्री राम ने उनकी आत्मा की शांति के लिए इस मंदिर में पूजा भी की थी। ये हमारा मंदिर हजारों साल पुराना है, और यहाँ पे जब रामचंद्र भगवान 14 वर्ष का वनवास के लिए निकले थे ना, तो यहीं पे वो रुके थे। और उसको पता चला कि दशरथ जी का मृत्यु हो गया, तब उसको पूजा करने के लिए ऐसा मन हुआ, तो उसने तीर मार के स्वयं शिवलिंग को प्रकट किया। और फिर जब शिवलिंग प्रकट हुई तो दरिया देव भी प्रसन्न हो गए, तो उसके साथ जीव जंतु सब इधर आ गए, तो उसमें कड़तले भी आए। तो दरिया देव ने बोला कि ये इसका कुछ उद्धार के लिए कुछ बोलो। तो रामचंद्र भगवान ने कहा कि कोई किसी को भी कान में तकलीफ होती होगी, कोई ऑपरेशन से भी अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ पे जो पोषवद 11 के दिन जो मन्नत लेंगे तो उसको पूरी होगी। और ये हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है, और सबको अच्छा भी हो रहा है, और इसलिए सब दूर दूर से भाविक भक्त यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और एक ही दिन पूरे विश्व में एक ही ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे जीवते कड़तले चढ़ते हैं। यहाँ एक सवाल आपके दिमाग में जरूर उठ रहा होगा कि जिंदा केकड़ों को शिवलिंग पर चढ़ाने के दौरान उसे कोई चोट तो नहीं पहुँचती? बिल्कुल नहीं। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि इन केकड़ों को किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे। वहीं शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इन्हें ताप्ती नदी में सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।